अभी तो हम खुद कंफ्यूज है कि हम खुश हो जाएं या परेशान हैं। कितनी दुआएं नवाफिल पढ़ पढ़ के उनके आगे लेके जाएं, बैसाखियों पे दूसरों की, वो जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, ये जीत गया, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल। तो ये हराम ज़हनी तौर पे तैयार है, प्यार है, प्यार वाला नहीं है। इस दिन हमने तीन नेशनलिटीज को सपोर्ट किया है। एक पाकिस्तान को किया हमने, एक इंडिया को हमने किया, और फिर बांग्लादेश को हमने किया। तीन मुल्कों के क्रिकेट के लिए आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिडनी में, सिडनी स्टेडियम के बाहर। कुछ फैमिलीज, पाकिस्तानी फैमिलीज मेरे साथ मौजूद हैं, मैच देखने आए हैं। साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच है, अगर हम ये मैच आज जीते हैं और अगला मैच जीते हैं तो शायद हम किसी कंडीशन में पहुंच के सेमीफाइनल, मगर उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही। रात की एक उम्मीद थी बांग्लादेश के साथ, जो इंडिया का मैच था, अगर बांग्लादेश जीत जाता तो शायद हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते। और कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद। आबिद भाई, मुझे ये बताएं क्या होप्स हैं आपकी, कितनी देर से आप वेट कर रहे थे, क्या तैयारियां आपने की थी, तो क्या मायूसी है या खुश हैं अभी, क्या आपका प्लान क्या है आज के साथ जो मैच है साउथ अफ्रीका के साथ? अभी तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम खुश हो जाएं या परेशान हैं, लेकिन जो हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो पहला मैच हमने मेलबर्न में देखा था, बल्कि हम मेलबर्न में ही रहते हैं, वहीं से इधर ट्रेवल करके आए। अच्छा, मेलबर्न से आप इधर मैच देखने आए हैं? जी भाईजान, ज़्यादती नहीं कर रहे आप अपने साथ? अपने साथ भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के साथ? वो तो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, आप तो नहीं उनके साथ कर रहे हैं ना? वो तो सब लोगों के साथ ही कर रहे हैं पूरा। उस दिन आप देख लो कि पहला जो दिल टूटा, उसके बाद दूसरे दिन तो जो जिम्बाब्वे से आ रहे, तो मतलब आप क्रिकेट में बात ही नहीं करनी यार, हम तो ऐसे ही क्रिकेट में यार बात ही नहीं करते, आज कोई और ही बात करते हैं। मैं दसो कितने पढ़े हुए हैं आप? मैंने मैट्रिक किया। मैथ कैसा है, मतलब हल्का फुल्का कोई जमा कर लेते हैं दो तीन? अच्छा, मुझे ये बताएं कि तीन आप लोग हैं, आप गए हैं खाना खाने, आपके हिस्से आए हैं $25 आपके हिस्से आए हैं, $25 इनके आए हैं, $75 हो गए, ठीक है। उस होटल वाले ने आपको कहा कि यार ये रोज़ाना आते हैं, इनको ना $5 जोन सा है ना माइनस, इसको जोन सा इनको डिस्काउंट दे दें, तो वो जब $5 आपके पास लेके आते हैं ना, तो आप उनको कहते हैं कि यार तू हमारी बड़ी खिदमत करता है, वेटर को दो तू रख ले, एक आप ले लेते हैं, एक आप ले लेते हैं, एक आप, आपके रह गए, आपके बाद डल गए अब 24, आपके भी डल गए 24, आपके भी डल गए 24, कितने हो गए 72। उसमें आपने दो वेटर को दे दिए, $1 कहाँ गया? $1 नवाज शरीफ ने ले लिया। किस पर चला गया? नवाज शरीफ ने ले लिया। नवाज शरीफ से ले लिया? नहीं बताए ना यार, आप बताए मैडम, समय लगी है सवाल की? सवाल की तो बिल्कुल समझ आई, बीच में से $1 आप खुद ही खा गए थे। नहीं खाया ना, ये देखे मेरी बात सुने, $75 थे, $5 आपको डिस्काउंट हो गया, ठीक है, बीच में से आपने $2 वेटर को दे दिए, $3 आपके पास बचे, आप तीनों ने आपस में तकसीम कर लिए, एक एक ले लिया, अब आपके 25-25 डल रहे थे, आपके 24-24 डल गए, 24 को आप 3 से ज़रब दें तो ये 72 हो गए, $2 आपने दे दिए वेटर को, एक कहाँ गया? चार कॉर्नर से हमने काट दिए कैंची से तीन काट दिए, एक पीछे, अब कितने कॉर्नर रह गए? तीन ही रह गए, काटा तो मैंने, कैंची से तीन कॉर्नर काट दिए, एक को नहीं काटा, तो कॉर्नर कितने रह गए? एक ही रह गया, दो अभी, इतना दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन है। भाई जान क्या कहेंगे, तीन कॉर्नर रह गए, तीन काट दिए, एक बचा था, तीन रह गए, एक ही कर लें, एक कर लें, क्या कहते हो? तीन तीन तो काट दी देने ना चाचा जी, एक रह गया, तीन। अच्छा भाईजान, वो $1 का साथ तो नहीं आ रहा किसी को? अच्छा चले, 7 कॉर्नर रह गए, जब वो एक एक ऐसे काटा ना, दो उधर से निकले, दो और एक हमने छोड़ दिया था, 7 हो गए। किसी का सवाल गलत, आपको जो इनाम देना था बड़ा हैवी माइनस। अच्छा अब मैच का बताएं क्या होप्स हैं? मैच हमारी वो लंगड़ी टीम बेचारी, वो दूसरों के सहारों पे चलने वाली, उसको क्या बोले हम, इतना दिल तोड़ा है पाकिस्तान ने, बिल्कुल खेले जिनको हम, घोड़ा भी कभी कभी पीछे से निकल जाता है, उसके तो पैसे भी ज्यादा निकल जाना चाहिए, जीत के भी उसको कोई जीतने नहीं देगा। कितनी दुआएं नवाफिल पढ़ पढ़ के उनके आगे लेके जाएं, बैसाखियों पे दूसरों की, वो जीत गया, ये जीत गया, वो जीत गया, ये जीत गया, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल।
आपके भी यही ख्याल है? यही सेम, यही सेम, बिल्कुल सेम है कि थोड़े बहुत यही जज्बात है? नहीं, बिल्कुल सारे पाकिस्तानियों की यही जज्बात। आप भी मेलबर्न से आई है? तो मुझे ये बताएं, आपको पता था कि अब टीम का कुछ नहीं बचा, तो फिर भी दिल है फिर भी दिल है पाकिस्तानी वो है। तो मैंने एक इंटरव्यू किया, कहता मैंने वो बंदा ले आगे दो जिन्हें ये गाना लिखा फिर भी दिल है पाकिस्तानी, उसको मैंने गोते लगवाने हैं। तुम जीतो या हारो, ये वाला भी, ये तो या हारो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। प्यार है, प्यार वाला नहीं है। तो भाईजान क्या कहेंगे आज, क्या तैयारियां, क्या आपका होप थी, क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान किए? सर होप तो कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बात यह है कि हम लोग बेसिकली इस सिचुएशन में अभी कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए हैं कि जी वो हारेगा और वो जीतेगा, तो वो जीतेगा तो वो हारेगा, तो वो हुआ नहीं। कल के मैच के बाद जो है ना सारी सिचुएशन हो गई है चेंज, ठीक है। अगर ये दो मैच जीत भी जाते हैं तो उसके बाद फिर सारा जो फाइनल मसला आएगा वो आएगा रन रेट के ऊपर, ठीक है। अगर रन रेट में हम निकल गए तो हम निकला, ये तो है दूसरों के मैच में बारिशें हो तो मैं वही है कि दूसरों के मैच में बारिश हो या वो हार जाएं तो शायद। अच्छा, ये हमारी एक ऐसी वाहिद टीम है पाकिस्तान की, हम ना कभी अपने दुश्मन के लिए दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह ये जीत जाए, इंडिया का मैच उस दिन हम दुआ कर रहे थे साउथ अफ्रीका से वो जीत जाए, रात को हम दुआ कर रहे थे या अल्लाह बांग्लादेश जीत जाए इंडिया से, तो हम किसके साथ हैं, हमें कुछ समझ आ रही है हम किसके साथ हैं? कभी हम इंडिया की तरफ की दुआएं कर रहे थे उस दिन, हमने तीन नेशनैलिटीज को सपोर्ट किया है, एक पाकिस्तान को किया हमने, एक इंडिया को हमने किया और फिर बांग्लादेश को हमने किया। तीन मुल्कों के क्रिकेट के लिए आप देखे नाजरीन, मेलबर्न ने सुना है, मेलबर्न में सुना चार मौसम एक दिन में आते हैं, इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में तीन टीमों की नेशनलिटी को, क्या नाम है आपका? जोहान गोहर। नो, जोहान जोहर, जोहान। अच्छा जोहान, आपका वो इंग्लिश नाम है, मैंने नहीं समझ लग रहा सुभान। अच्छा क्या आज किधर आए हो? सिडनी। सिडनी, क्या है सिडनी में आज? तो यहाँ पर न्याज है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, मैच हो रहा है। किसको, कौन सी टीम जीतेगी आज? पाकिस्तान। बताया उन्होंने आपको? Not sure. यार ये बच्चे मेरी बात सुने, पाकिस्तान टीम वालों, इस बच्चे का वो बेचारा सिडनी आया है और वो कह रहा है आज मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने आया हूँ। तो आप नाज़रीन क्या कहेंगे, आपने ये गुफ्तगू सुनी, थोड़ा हमने इनसे क्वेश्चंस भी किए, आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए, एक का मैंने जवाब नहीं बताया, $1 का गया, उसका आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ अपने होस्ट साकिब नीर को सिडनी से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।